वेलकम बैक अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वीडियो इज़ फॉर नेट एस्पिरेंट एंड हु आर डूइंग बी एस सी जूलॉजी ऑनर्स और फॉर जनरल बी एस सी स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बायोलॉजी और फॉर एम एस सी स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फोर्सफुल लिपिड बाई है ठीक है फोर्सफो उसमें होते हैं पर जो फोर्सफो होते हैं वो बाई फॉर्म करते हैं ठीक है एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड इस तरह से वो अरेंज होते हैं प्लस उसमें बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स कुछ पेरीफ्रल प्रोटीन्स होते हैं ठीक है ये जो प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में देखो सेल को क्यों ज़रूरत पड़ रही है किसी भी मोलिक्यूल की जैसे हम बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ रही है या फिर ऑक्सीजन की पड़ रही है ग्लूकोज की पड़ रही है या क्लोरीन की पड़ रही है सोडियम आयन की पड़ रही है पोटेशियम आयन की पड़ रही है ये सारे मोलिक्यूल्स की सेल को या तो इनको बाहर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है फिर इनसाइड सेल को जरूरत है ठीक है तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए प्लस होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए होमियोस्टेसिस का मतलब है कि अपनी सेल में प्लाज पी एच को मेंटेन करना या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करना ठीक है तो होम्योस्ट्रेसिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए तो जितनी भी सेल्स हैं उन वो क्या एक्वायर करती है मोलिक्यूल्स को एक्वायर करती हैं आयंस को एक्वायर करती हैं जिसकी उन्हें अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से ज़रूरत होती है देखो ये एक सेल है ठीक है ये जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स होंगी वो ऐसे इम्पेंडेड होंगी अब ये जो बाहर का मटेरियल बच गया इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तो इसके अंदर से आयन अंदर आएंगे सेल के या सेल से बाहर जाएंगे तो कुछ अनसीजिंग मोलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रोस पास करते हैं जैसे सोडियम है कैल्शियम है ग्लूकोज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है सेमी परमिएबल मतलब सेमी मतलब हाफ कुछ मोलिक्यूल्स को वो पास होने देती है ईज़ली बिना एनर्जी का यूज़ किए बिना किसी स्पेशल प्रोटीन के हेल्प के बिना किसी कैरियर प्रोटीन के ठीक है कोई चैनल नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो ईजली पास हो जाएगा बट कुछ मोलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे स्पेशल चैनल्स बनेंगे ठीक है गेटेड चैनल्स आयन चैनल्स वोल्टेड चैनल्स या फिर ए की जरूरत पड़ेगी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उनको एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर करने के लिए या फिर हम बोले तो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से उनको साइटोसोलिक साइड में ट्रांसफर करने के लिए साइटोसोलिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उस वाली साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए ठीक है अब हम सोल्यूट की बात करते हैं तो सोल्यूट क्या होना चाहिए जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पास होगा वो अनचार्ज होना चाहिए अगर वो चार्ज है तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऑलरेडी चार्ज होता है तो हमें देखना पड़ेगा वो चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके बेसिस पे वो पास होगा ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हैं तो वो ईजिली पास नहीं होंगे ठीक है उनके लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी तो अनचार्ज मोलिक्यूल है अगर स्मॉल साइज़ का मोलिक्यूल है तो वो ईजिली पास कर सकता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ठीक है जैसे एग्जाम्पल लें इथेनॉल की जो एल्कोहल है सी टू एच फाइव एच इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाती है पर डिफिकल्टी आती है कुछ मोलिक्यूल को पास करने में लिपिड बाइलेयर से ठीक है क्योंकि वो क्या है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है सारे मोलिक्यूल्स को वो पास नहीं होने देती ठीक है कौन कौन से मोलिक्यूल्स को पास करने में प्रॉब्लम आएगी पोटेशियम आयन को सोडियम आयन को कैल्शियम आयन को जो कि कैटाइन है ठीक है अब क्लोरे क्लोराइड आयन है, है और हाइड्रोकार्बोनेट है हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी एच सी ओ थ्री नेगेटिव ये एनआन्स हैं इनको पास करने में प्रॉब्लम आएगी कुछ हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज है या फिर कुछ मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड हैं आर एन ए है इनको ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे कुछ कठिनाई आएगी ठीक है तो सोल्यूशन क्या हुआ कैसे फिर मेम्ब्रेन इनको पास करेगी क्योंकि मेम्ब्रेन को तो ग्लूकोज़ भी चाहिए आर एन ए भी चाहिए ठीक है प्रोटीन भी चाहिए ये सारे मोलिक्युल्स भी चाहिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ठीक है तो कैसे पास करेगी तो दो यहां पे टाइप के ट्रांसपोर्ट यहां पे आते हैं ट्रांसपोर्ट जिसमें डिफ्यूजन और फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट आता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एक्सोसाइटोसिस जिसके थ्रू सेल बाहर थ्रो करती है वेस्ट को एंडोसाइटोसिस जिसमें हम ईटिंग भी बोलते हैं जिसके थ्रू लार्ज मोलिक्यूल्स को जैसे कोलेस्ट्रोल वगैरह को सेल इनगल्फ करती है पिनाकोसिस्ट जिसमें हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं इसमें इसमें भी बहुत सारे लिपिड्स को या फिर बहुत सारे अदर सबस्टांसिस को सेल अपटेक करती है ठीक है तो हमने ब्रॉडली क्या पढ़ा कि पासिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है टू टाइप के ट्रांसपोर्ट में हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिजम्स को जो किसके अक्रॉस हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कि कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्रॉडली जब देखते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट जो है क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम दो क्लासेस में ट्रांस क्लासीफाई करते हैं नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि किसी चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रही किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रही या फिर किसी ए टी की जो कि एनर्जी के फॉर्म में यूज़ की जाएगी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही तो यहाँ पर कुछ भी मेडिएटर नहीं है तो ये सिंपल डिफ्यूज़न होता है नॉन मेडिएटेड डिफ्यूज़न और एक होता है हमारा ओसमोसिस ठीक है तो ये पैसिव है पैसिव है पैसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है ठीक है ये कैसे ट्रांसफ़र करेगा कोई भी सब्सटेंस है बेसिकली ये किसको को ट्रांसफर करता है सोल्यूट को ट्रांसफर करता है तो सोल्यूट अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक सेल है ठीक है अब यहां पे मान लो मेरे को प्रेजेंट है कि ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन का यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है कम है तो वो हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ठीक है अब यहाँ पे क्या क्या ऐसे सब्सटेंस है जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव किए जाते हैं वाटर मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीरोड हार्मोन्स वाई स्टीरोड हार्मोन्स क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड लिपिड बाई लेयर है मतलब उस वो लिपिड से मिलके बनी हुई है और स्टीरोड हार्मोन्स लिपिड सोल्यूबल होते हैं इसीलिए वो ईजली पास कर जाते हैं ठीक है जो लिपिड इनसोल्युबल सब्सटांस होगा उसको पास करने में प्रॉब्लम आएगी दूसरा हमारा नॉन मेडिएटेड ट्रांसफ़र होता है ओसमोसिस ओसमोसिस भी पैसिव है क्योंकि इसमें भी हमें कोई भी ए मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ये भी हमारा हाइयर टू लो कंसनट्रेशन जाएगा बट इस केस में हमारी हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन किसकी होगी वाटर की फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ठीक है ये सेल का हमारा एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड है यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर की अमाउंट कम है तो वाटर हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाएगा तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी होती है वाटर की होती है ठीक है और डिफ्यूजन में हम किसकी बात करते हैं सोल्यूट की बात करते हैं तो ये किसके अक्रॉस जा रहा है सेमी के अक्रॉस जा रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है वाटर के लिए होता है अब दूसरा आता है हमारे पास मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी टू टाइप का होता है जिसमें हमारा मेडिएटर तो होंगे बट एटीपी लगेगी या नहीं लगेगी पास पैसिव होता है एक एक होता है एक्टिव तो पैसिव में हमारी कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल नहीं लगता है और ए और हमारा जो एक्टिव होता है उसमें ए मॉलिक्यूल मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है पैसिव मेडिटी ट्रांसपोर्ट टू तरह दो तरह से होता है एक वो कैरियर मोलिक्यूल्स के थ्रू हो सकता है जो किसी सब्सटेंस को किसी भी आयंस को किसी भी मोलिक्यूल को अपने से बाइंड करके और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर कर दें कुछ होते हैं चैनल्स चैनल्स इस तरह के होंगे जो किसी लाइगेंड के बाइंड होने से खुलेंगे अदरवाइज वो बंद रहेंगे गेटेड चैनल्स ये तो होते हैं चैनल्स कैरियर होते हैं जो अपने आप से कैरियर प्रोटीन होगा जैसे इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसके साथ कोई बाइंड हो जाएगा मॉलिक्यूल, और वो हमारा मेम्ब्रेन से जब स्पेन होकर जाएगा तो वो अपनी फेस को चेंज कर लेता है और वो उस सब्सटेंस को साइटोसोलिक साइड में छोड़ देता है तो यहाँ पे दो तरह के पैसिव मेडिटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू कैरियर प्रोटीन्स एंड थ्रू चैनल प्रोटीन्स दोनों को ही हम क्या बोलते हैं फैसिलिएटेड डिफ्यूजन फैसिलिएटेड वर्ड कहाँ से आया फैसीट किया जा रहा है इस डिफ्यूजन को या तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू या फिर चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ये भी पैसिव है कोई एनर्जी नहीं यहाँ पे यूज़ होती हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाता है पर लार्ज यहाँ पे मोलिक्यूल्स होते हैं इसलिए वो ईजली डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं कर पाते इसीलिए उनको यहाँ पे किसी चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है या फिर किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर मोलिक्यूल्स जैसे एक्वापोरस के थ्रू जाते हैं दीज आर चैनल प्रोटीन्स ग्लूकोज है वो भी हमारा यहाँ पे चैनल्स के थ्रू जाता है अमाइनो एसिड्स भी यहाँ पे चैनल्स के थ्रू पास होते हैं अब जो हमारा एक्टिव मेडिएटी ट्रांसपोर्ट है जिसमें ए टीपी की होती है है ये दो तरह का होता इनडायरेक्ट जिसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं है, ठीक है इस वीडियो में हम सिर्फ पैसिव, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे एक्टिव को हम अपनी अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ए टी का यूज़ करेगा और ये ट्रांसफर किस करेगा आयन मोलिक्यूल्स को स्मॉल हाइड्रोफिलिक मोलील्स हाइड्रोफिलिक मोलिकल्स होते हैं वाटर सोल्यूबल मोलिक्यूल्स जबकि हमें ये पता है कि जो फोर्सफो लिपिड बाई है वो लिपिड से मिलके बनी हुई है तो लिपिड से मिलके बनी हुई है तो वो वाटर हीटिंग मोलिक्यूल्स हैं तो जो हाइड्रोफिलिक है वो तो वाटर लविंग होते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो इसलिए इसको पास करना मुश्किल होता है इसीलिए ये यहाँ पे ए की रिक्वायरमेंट को मांगता है मतलब ए की जरूरत होती है इसको ट्रांसफर होने में अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है जो मोलिक्यूल स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे किसका ट्रांसफर होता है ग्लूकोज का किसमें इंटेस्टाइनल एपीथीलियम में जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब हमारी विलाई है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्व करती हैं ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल एपीथीलियम में एपीथीलियम इज अ कवरिंग ऑफ द इंटेस्टाइन तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अमाइनो एसिड को भी यहाँ पे किसके थ्रू गेन किया जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये दो तरह का होता है सिम्पोटर और एंटीपोटर सिंपोटर का मतलब है दोनों मोलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक ही साइड में एंटीपोटर का मतलब है कि एक मोलिक्यूल बाहर जा रहा है एक मोलिक्यूल अंदर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं दो मोलिक्यूल एक साथ उसको एंटीपोटर बोलते हैं ठीक है सिंपोटर यहाँ पे ग्लूकोज है का ट्रांसफर है अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत पड़ती है एटीपी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं यहाँ पे हम प्रोटीन पम्प्स का या ए पंप्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर किस ट्रांसफ़र करते हैं हम आयंस को शुगर्स को या फिर अमाइनो एसिड्स को अब मैंने जो यहाँ पर डिस्कस किया वो डिटेल क्लासिफिकेशन था अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो दो ब्रॉडली क्लासेस में क्लासिफाई हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट तो एक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बा, बाहर सेल कुछ फेंक रही है एंडोसाइटोसिस अंदर कुछ ले रही है तो अंदर लेने का फेगोसाइटोसिस सेल एटिंग पिनाकोसाइसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग एंड रिसेप्टर मेडिएटेड रिसेप्टर से आके कोई इंजाइन बाइंड हो गया कोई हार्मोन बाइंड हो गया कोई न्यूरो ठीक है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ गया पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन आएगा ऑस्मोसिस आएगा फैसिलिटी डिफ्यूजन आएगा टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड फेसिलेटेड डिफ्यूजन पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही इट मींस कोई एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है यह ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है किसमें होमियोस्ट्रेसिस में बैलेंस मेंटेन करता है आयंस का पीएच का टेम्परेचर का ठीक है किसके अंदर सेल के अंदर विदाउट एनी एनर्जी बिना किसी एनर्जी का यूज किए यहाँ पे ट्रांसफर किसका होगा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर मोलिक्यूल्स का तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की डिफ्यूजन हमें कहाँ से कहाँ होता है लो हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है जैसे मैं बात कर रही थी कि ये एक सेल है मान लो और यहाँ पे बाहर वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो ये हाई कंसंट्रेशन टू यहाँ पे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन के टाइम पे कोई सोल्यूशन होता है सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है एक सोलवेंट होता है एक सोल्यूट होता है सोलवेंट हमारा लिक्विड होता है और ये मोस्टली लार्ज अमाउंट में या फिर लार्ज क्वांटिटी या फिर बोले कि लार्ज कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है सोल्यूट जो होता है वो सोलिड होता है पर कभी कभी ऐसा होता है कि सोल्यूट सोलिड नहीं है बट इसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन क्या रहेगी स्मॉल रहेगी जैसे हम डाई इन वाटर बात कर रहे हैं या मैं पोटेशियम पर को अगर वाटर में डिजोल्व कर जैसे मैं पोटेशियम पर मैगनेट की बात कर रही हूँ तो पोटेशियम पर मैगनेट को अगर मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो वो यहाँ पे डाई है ठीक है या फिर मैं बोलूँ वो एक पिगमेंट है तो वो पिगमेंट सोल्यूट है बट उसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया वो लार्ज क्वांटिटी में था पर वो डिजोल्व हो जाएगा पूरे वाटर में पर वाटर यहाँ क्या है सोलवेंट है तो इस केस में यहाँ पे डाई भी हमारी क्या होगी लिक्विड है ठीक है अगर मैंने इंक डाल दी तो इंक लिक्विड है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सोलिड को डिफाइन कर सॉरी सोल्यूट को डिफाइन करने का कि सोल्यूट हमेशा सोलिड होगा नहीं सोल्यूट क्या है जो किसी चीज में डिजोल्व हो रहा है और जो उसको डिजोल्व कर रहा है वो सोलवेंट है ठीक है तो यहां पे मोस्टली हम डिफ्यूजन के केस में बात करते हैं सोल्यूट के ट्रांसफर ट्रांसफर की तो सोल्यूट हमेशा हाइयर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करता है इन केस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस कुछ कुछ मोलिक्यूल्स को ही अपने across पास होने देती है बाय डिफ्यूजन ठीक है अब किसी भी चीज को डिफ्यूज होने के लिए क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए पहली क्वालिटी ये है कि वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि तो पास हो जाएगा जैसे एल्कोहल है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर ली जाती है ठीक है गैसेज है जैसे ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई ठीक है लंग्स में एल्वियोलाई है वहां से वो इजिली डिफ्यूज हो जाती है जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर ठीक है तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस का होगा एल्कोहल्स का होगा ठीक है क्योंकि वो क्या है लिपिड सोल्यूबल्स हैं और वो स्मॉल साइज की है अब बात करते हैं ओसमोसिस की ओसमोसिस में डिफ्यूजन होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर का हाइयर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जैसे मैं बात करूँ ये एक सेल है ये एक सोल्यूशन के अंदर रखी हुई है अब इस सोल्यूशन में वाटर ज्यादा अमाउंट में है पर सेल के अंदर वाटर कम है और सोल्यूट ज्यादा है मतलब आयंस हैं ग्लूकोज है प्रोटीन्स है प्रोटीन वो ज्यादा है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी स्वेल कर जाएगी ठीक है तो ये क्या हुआ ओस्मोसिस हुआ ओस्मोसिस किसकी वजह से होता है ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज किया गया वोटर के लिए जो वॉटर किसी सोल्यूशन में ठहरा हुआ है तो वो एक पोटेंशियल जनरेट करता है एक एनर्जी जनरेट करता है और उससे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है ठीक है जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी मूवमेंट होगी अब यहाँ पे टोनी सिटी जो है टोनी सिटी है वो डिफाइन करती है कि कैसे पानी मूव करेगा टोनो टोनी सिटी है क्या ये स्ट्रेंथ होती है किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट में प्रेजेंट है या कितनी में प्रेजेंट है ठीक है इन मतलब कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है इन रिलेशनशिप टू ऑस्मोसिस डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ वॉटर इन और आउट ऑफ द सेल इसको अच्छे से समझते हैं हम तीन एग्जांपल के थ्रू आइसोटोनिक हाइपोटोनिक और ठीक है ये तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं जो ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ठीक है इस सेल के अंदर एक निश्चित अमाउंट है सोल्यूट की और सोलवेंट की फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है थर्टी परसेंट

आइसोटोनिक तो सॉल्यूशन बोलते हैं तो दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर सेम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेम है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होती है यहाँ पे वाटर की हाइपोटोनिक में क्या होता है हाइपोटोनिक में होता है फॉर एग्जांपल सेल है सेल के अंदर यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है सिक्सटी परसेंट ठीक है और यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन है हमारे पास फोर्टी ठीक है बट जो बाहर है बाहर हमारी वाटर की कंसेंट्रेशन है सिक्सटी परसेंट और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है फोर्टी परसेंट तो हमें क्या पता चला इस सेल को जिस सोल्यूशन में हमने रखा है उस सोल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी स्वेल हो जाएगी ठीक है अब हाइपरटोनिक की बात करें तो जो सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखा है उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट तो हमारा सेवेंटी परसेंट हो सोल्यूट हमारा सेवेंटी परसेंट है बट अगर मैंने बोला कि यहाँ पे वोटर हमारा क्या है वोटर हमारा थर्टी परसेंट है ठीक है और सेल के अंदर मैं बोल रही हूँ कि सेल के अंदर मेरे पास वोटर हमारा थर्टी परसेंट है बट सोल्यूट सॉरी सोल्यूट हमारा सेवेंटी परसेंट है सोल्यूट हमारा सेवेंटी परसेंट है एंड वॉटर हमारा क्या है थर्टी परसेंट तो क्या होगा वोटर हमारा कहां पे मूव करेगा सेल के अंदर ज्यादा वो मैंने यहां पे गलत कर दिया यहाँ आएगा हमारा थर्टी परसेंट सोल्यूट और यहाँ आएगा वोटर तो वोटर हमारा सेल के अंदर ज्यादा है वो ज्यादा से किसकी तरफ जाएगा कम की तरफ जाएगा हाइयर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ओस्मोसिस तो यही बोलता है तो वो बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी श्रिंक कर जाएगी अब हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की सिंपल डिफ्यूजन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है यहाँ पे हमने क्या डिफाइन मतलब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है सोल्यूट की कंसंट्रेशन ली है मिली मोल पर लीटर में जो सेल के बाहर है यहाँ पे हमने लिया है रेट ऑफ सोल्यूट एंट्री कितना सोल्यूट एंटर करेगा तो जो रेट है सोल्यूट एंट्री का वो लीनियरी इंक्रीज होगा विद एक्स्ट्रा सेल्यूर कंसनट्रेशन मतलब एक्स्ट्रा सेल्यर कंसनट्रेशन घटती जाएगी ऐसे ऐसे अंदर मोलिक्यूल मूव करता जाएगा इसीलिए ये ग्राफ क्या आया है लीनियर ठीक है है अब हम बात करते हैं की या या तो के होता है या मतलब डाइमर, डाइमर, अलग अलग टाइप के गुच्छे होते हैं प्रोटीन्स के मतलब सब यूनिट कितनी दो सब यूनिट हो मान लो किसी चैनल प्रोटीन में तीन सब यूनिट हो चार हो छह हो ठीक है इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है असेंबलीज ऑफ प्रोटीन तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे चैनल प्रोटीन होंगे जो डाइमर होंगे या ट्राइमर होंगे या हेक्सामर होंगे ठीक है या फिर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे या कैरियर प्रोटीन्स होंगे जो किस में इम्बेंडेड होंगे इम्बेंडेड मतलब किसके अंदर घुसे हुए होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉम वाटर फिल्ड चैनल्स जैसे एक्वापोरिन का हम एग्जांपल लें जिसके थ्रू आयंस पास हो जाते हैं डाउन इस इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन का मतलब क्या है लो कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन मूव करना अब जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स हैं वो या तो गेटेड चैनल्स होते हैं या गेटेड आयन चैनल्स होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक गेटेड आयन चैनल की उससे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ फैसिलेटेड चैनल्स होते कैसे हैं देखो यहाँ पे ये एक फिल्टर लगा हुआ है ठीक है जिसकी वजह से ये क्लोज हो गया है ये फिल्टर कैसा है सिलेक्टिवली फिल्टर है मतलब कुछ सिलेक्टिविटी फिल्टर है मतलब कुछ मोलिक्यूल्स को ईजिली पास होने देगा कुछ को नहीं पास होने देगा सिलेक्ट करेगा कौन सा मोलिक्यूल मेरे अंदर से पास हो ये गेट फॉर्म करता है ठीक है ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो यहाँ पे चैनल का काम कर रहे हैं ये फोर्सफो लिपिड है और ये एक्वस है ठीक है तो ये इस तरह से काम करता है ये जब चैनल ओपन हो जाएगा तो यहां से मोलिक्यूल अंदर आ जाएंगे जब ये क्लोज हो जाएगा तो मोलिक्यूल पास नहीं हो पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइगेंड गेटेड आयन गेटे चैनल की लाइगेंड कुछ भी हो सकता है कोई न्यूरो भी हो सकता है कोई हार्मोन भी हो सकता है कोई इंजाइम भी हो सकता है कोई आयन भी हो सकता है लाइगेंड कुछ भी हो सकता है बट जैसे ही चैनल के साथ लाइगेंड बाइंड करेगा चैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइगेंड नहीं ट्रांसफर होता जैसे ही चैनल ओपन होगा तो लाइगेंड ट्रांसफर नहीं होगा लाइगेंड का सिर्फ और सिर्फ काम है चैनल को ओपन करने का लाइगेंड इंट्रा भी हो सकता यहां पे पे साइटोप्लाज्मिक भी प्रेजेंट हो हो सकते और एक्स्ट्रा सेलर भी हो सकते हैं जो बाहर प्रेजेंट होंगे ठीक है एग्जाम्पल है लाइगेंट का एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन एक न्यूरो होता है जो दो एक सेल का जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है जो प्रेजेंट होता है हमारा स्नेप्स में स्नेप्स क्या होता है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स कनेक्ट करती हैं एक न्यूरॉन का एग्जोन दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स उनके बीच का जो गैप होता है वो स्नेप्स होता है तो स्नेप्स में Albanian रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन जिसकी वजह से नेक्स्ट जो न्यूरोन होगी उसकी डेंड्राइट्स उसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे और वहाँ पे क्या होगा सोडियम चैनल का इनफ्लो होने, होने लग जाएगा किसमें नव सेल्स में और जब सोडियम आयन नव सेल्स में मूव करने लग जाएगा फ्लो करने लग जाएगा तो वो नव इम्पल्स जनरेट कर देगा और नव इम्पल्स जनरेट होगा तो कोई सिग्नल माइंड में जाएगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा और रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू एग्जाम्पल की बात करते हैं गामा अमीनो बिटरिक एसिड गाबा ये इनहेबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्नेप्स में रिलीज होगा और जिसकी वजह से हमारे कौन से क्लोराइड आयन चैनल ओपन होंगे और वो क्लोराइड आयन जैसे ही नर्व्स के अंदर मूव करेंगे नर्व इनहिबिट हो जाएगी मतलब उसका नर्व इम्पल्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा मतलब वो जनरेट नहीं करेगी नर्व इम्पल्स को इनहिबिटरी इफेक्ट होगा नेक्स्ट है इंटीग्रल इंटीग्रल जो होते हैं, हैं वो बाइंड करते चैनल प्रोटीन की साइट है, है. है, है. है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलोर फ्लूड है तो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं इंटीग्रल लाइगेंट सॉरी इंटीग्रल लाइगेंट यहाँ पे बाइंड करते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड पे तो इंटीग्रिन लाइगेंड का एग्जांपल देखिए हम तो यहाँ पे सेकेंडरी मैसेजर्स होते हैं जैसे साइक्लिक ए एंड साइक्लिक जीएमपी ये चैनल किस में इन्वॉल्व होते हैं नर्व इम्पल्स को जनरेट करने में उन नर्व्स को इम्पल्स को जनरेट करने में जो किसी स्मेल या लाइट की वजह से हुए हैं स्मेल और लाइट की वजह से कोई भी नर्व इम्पल्स कहाँ पे जनरेट होगा सेंसरी ऑर्गन्स में आईज में नोज में ठीक है तो यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे जो भी यहाँ पे सनलाइट सॉरी लाइट आ रही है ऑर्डर आ रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करेंगे वो सेकेंडरी मैसेंजर जाके साइटोसोलिक साइड पे बाइंड होगा जिसकी वजह से चैनल प्रोटीन ओपन होंगे और एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा नेक्स्ट है ए टी एटीपी भी एक इंटीग्रल लाइकेंड like है इसकी जरूरत होती है कुछ चैनल को ओपन करने के लिए उन चैनल्स को ओपन करने के लिए जो या तो क्लोराइड या बाई आयन का पासिस करवाएं ठीक है क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयनिक चैनल को ओपन करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है ये चैनल्स डिफेक्टिव होते हैं उन पेशेंट में जिसमें सिस्टिक फिब्रोसिस होती है सिस्टिक फिब्रोसिस में लंग डैमेज हो जाते हैं और ये इनहेरिटेड डिजीज है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है और इनमें सिर्फ सर्वाइव तभी कर सकता है जो स्प्रिंग होगा या फिर वो पेशेंट होगा तब उस जब उसमें लंग ट्रांसप्लांट कराया जाए नेक्स्ट है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स का मतलब है कि यहाँ पे कुछ मकैनिक कल चीज़ें होंगी जैसे वेव्स साउंड वेव्स हो गई ठीक है तो वो क्या है एक मैकेनिकल वे है या साउंड वेव्स जो होंगी वो क्या करेंगी जो हमारे ईयर के अंदर हेयर प्रेजेंट है उन पे एक्ट करेंगी और उसकी वजह से हेयर सेल्स बैंड हो जाएंगी बैंड होने की वजह से वो आयन चैनल को ओपन करेंगी और फिर हमारे ईयर में नर्व पल्स जनरेट होंगी और एक हमें हियरिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पहले आयन रिलीज होते हैं उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे वोल्टेज को मेंटेन करता है ठीक है जिसकी वजह से चैनल्स क्या होते हैं ओपन होते हैं तो एक्साइटेबल सेल्स एक्साइटेबल सेल्स यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की बात की गई है कि एक्साइटेबल सेल्स लाइक न्यूरोन्स एंड मसल सेल्स दोनों ही एक्साइट होती है इनिबिट होती है ठीक है चैनल ओपन इन द रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द चार्ज इनके एक्रोस की मेम्ब्रेन के एक्रोस और मसल्स की मेम्ब्रेन के एक्रोस आयन चैनल ओपन होते हैं और वो आयन चैनल ओपन जब होते हैं तो आयन्स का फ्लो होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के एक्रोस अलग अलग चार्ज मेंटेन होने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एक्शन पोटेंशियल बताता है कि न्यूरोन्स को एक्साइट होना है इनहिबिट होना है या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है ठीक है एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इम्पल्स पासिस डाउन इन न्यूरोन एक इम्पल्स पास हो रही है न्यूरोन के अक्रॉस तो जो रिडक्शन है वोल्टेज में वो ओपन कर देता है सोडियम चैनल्स को क्योंकि वोल्टेज क्या होगी रिड्यूस होगी तो सोडियम चैनल ओपन हो गए ताकि सोडियम और फ्लो कर पाए ठीक है तो सोडियम अंदर जाएगी इन्फ्लक्स होगा सोडियम का जिसकी वजह से दोबारा क्या होगा वोल्टेज हाई हो जाएगी और नर्व इम्पल्स कॉन्टिन्यू रहेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये फैसिलिटी डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वाटर सोलबल होते हैं जैसे शुगर हो गई ठीक है इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की क्यों होती है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाईलेयर है वो फोस्फोलिपिड बाईलेयर है इट मीन्स उसके एक्रोस ईजली बिना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की के तो सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोलिबल मोलिक्यूल पास हो सकते हैं बट हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स तो वाटर लविंग होते हैं वाटर सोलबल होते हैं इसलिए इसको पास करने के लिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होती है एग्जाम्पल है मेल्टोपोरिन होमोडाइमर है होमो मतलब सेम ड्राइमर सॉरी और ट्राइमर मतलब तीन सब यूनिट इसकी होंगी ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ई e. कोलाई की ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया जो क्या फॉर्म करता है पोर्स फॉर्म करती है जो अलो कर देता है डाइसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड्स मतलब जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी हो जैसे माल्टोज है एंड ए फ्यू रिलेटेड मोलिक्यूल्स वो क्या हाँ पे पास कर जाएंगे ई e. कोलाई के अंदर पास कर जाएंगे और ई e. कोलाई माल्टोज को तोड़ के फिर कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज से वो एनर्जी गेन करता है ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की आरबीसीज की ह्यूमन के केस में वो भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कंसिस्ट करती है जो ईजिली डिफ्यूजन करवा पाता है ग्लूकोज का ऐसे ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चार फाइव टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिसको हम ग्लूट प्रोटीन्स भी बोलते हैं ठीक है टू टाइप्स का जो होता है वो को, को ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम को और ग्लूकोज को और सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले, वाले को ट्रांसपोर्टर्स जो है ग्लूट टू वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी एग्जांपल बनता है एक्वापोरिंस भी यहाँ पे एग्जांपल है किसके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एक्वापोरिंस हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं आयन चैनल का सॉरी वाटर चैनल का, का काम करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं एक बार हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं ग्लूट वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो ग्लूट वन की बात करते हैं ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है ब्लड और हार्ट और ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है ग्लूट टू जो होता है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है इसकी हाई के वैल्यू होती है के वैल्यू आप आ, ने इनजाइम्स वाले चैप्टर में स्टडी की होगी लो एफिनिटी होती है ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए लिए ये पेनक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जो है वो भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है लो के वैल्यू होती है हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए ब्रेन में न्यूरोन्स में और स्पम्प में प्रेजेंट होता है ग्लूट फोर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपोर्टर्स इसमें मॉडरेट के एम वैल्यू है मॉडरेट एफिनिटी है स्केलेटल मसल्स में एडिप्यूज टिश्यू में और हार्ट में प्रेजेंट होता है ग्लूट फाइव जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है फ्रक्टोस ट्रांसपोर्टर है और ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो हमने यहाँ पे पढ़ा वन टू थ्री एंड फाइव जो ये है ये इंडिपेंडेंट है इंसुलिन इंडिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट सिर्फ ग्लूट फा फोर है और यहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ग्लूट फाइव और ये फ्रेक्टोस ट्रांसपोर्टर है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ग्लूट टू उसके अलावा ब्रेन में प्रेजेंट है ब्रेन ब्लड बैरियर ग्लूट वन एंड ग्लूट थ्री ठीक है अब यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरोन्स में ग्लूट थ्री प्रेजेंट है स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में ग्लूट फोर प्रेजेंट है